तो आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, कितने हैं डिस्क, 90 डिस्क है। डिस्क मतलब जैसे वो सीडी डिस्क होता है ना, ऐसे सीडी डिस्क है। कितने हैं वो टोटल 90, और सब पे लिखा है नंबर, ऐसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे ऐसे सभी पे नंबर 90 तक लिखे हुए हैं। ऐसे कितने डिस्क है, 90, और सब पे एक पे 1 लिखा, दूसरे पे 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 90 तक लिखे हुए हैं नंबर। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा कि नहीं? अब यहाँ पे आगे ध्यान देना, क्वेश्चन में ये बोल रहा है, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रेंडमली फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में ये डिस्क रखे हुए हैं, कितने डिस्क हैं, 90 डिस्क हैं, और उस पर नंबर जो लिखे हैं, पहले 1, फिर दूसरे पर 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, ऐसे करके नंबर उस पर लिखे हुए। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स बियर, पहला बोल रहा है अ टू डिजिट नंबर, पहले तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, ठीक है। पहला जो बोला है, क्या बोला है, पहला क्या होने के लिए, अ टू डिजिट नंबर, अ टू डिजिट नंबर। अब टू डिजिट नंबर कहां से कहां तक होगा, 10 से लेके 90 तक कितने नंबर हो रहे हैं, 81 हो रहा है ना, क्योंकि एक 10 भी है और 10 के बाद वो 80 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 81 हो गया, क्लियर हो गया, 81 हो गया। अब इस प्रोबेबिलिटी मान लो ये इवन है इवेंट के लिए, तो इवन के लिए क्या हो गया, 81/90 की प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या बोला है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर रहा, मान लो ये इवेंट E2 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब थोड़ा मैं इसको समझा भी देता हूँ, कितने होंगे ऐसे गिन सकते हो, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है परफेक्ट स्क्वायर, फिर 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, फिर उसके बाद से 5 का 25, फिर 6 का 36, फिर बाद में 7 का 49, फिर उसके बाद से 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 नहीं होगा, क्योंकि 90 तक ही है, क्लियर। ये कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने हो गए, 9, ठीक है। अब ये इवेंट E2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी E2 के लिए क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, 9, 10 जा 90, तो 1/10 आ जाएगा। वीडियो में नहीं आ रहा, ये वाला नहीं आ रहा, पूरा ही नहीं आ रहा, ये भी ये वाला अभी अभी आ रहा होगा, तो क्या हो गया, ये 9/90 आ गया, क्लियर, 9/90 हो गया, इसको 1/10 आ गया, ये प्रोबेबिलिटी होगी। अभी तीसरे की बात कर रहा है, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर इसमें क्या बोला है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो फेवरेबल आउटकम इसको E3 ले लिया, E3 फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 5 भी होगा, 10 होगा, मतलब ये क्या करो, आप 5 से 90 को डिवाइड कर दो, जितने आ जाते हैं वो आंसर हो जाएंगे। कितने 9 जा, कितने 5 जा 90 होता है, 18 5 जा 90 होता है, कितना होता है, 18 5 जा 90 होता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी E3 के लिए क्या हो गया, 80/90। अब सीधी बात है, ये 1, ये 5, 1/5 प्रोबेबिलिटी आ जाती है, क्लियर। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।